आप लोगों ने घूमते हुए पंखे को देखने की कोशिश की है? मतलब इंट्यूटिवली तो हमें पता है कि ये पंखे में 3 ब्लेड्स होती हैं, लेकिन जैसे ये घूमना शुरू करता है हमें नजर ही नहीं आती। मतलब हमें एक ब्लर सा सर्किल नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फास्ट मूवमेंट हमारे विजुअल परसेप्शन की औकात के बाहर की चीज है। लेकिन अपन ह्यूमन लोग भी कम शाणे नहीं है, अपन कुछ सिंपल सी साइंस के दम पर इस औकात को मात दे सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये मशहूर फिजिसिस्ट फेरेंस क्राउस थाने नजर आ रहे हैं। इन्हें साल 2023 का फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने एक बहुत बारीक स्तर पर चीजों को देखने की हमारी सीमाओं में बहुत बड़ा इजाफा किया है। देखिए, एक लेजर पल्स टॉर्च के जरिए डॉक्टर क्राउस ये समझाते हैं कि कैसे अपनी इन्हीं साधारण आंखों से हम बहुत फास्ट मूवमेंट वाले इस पंखे को आसानी से देख सकते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रोशनी को टुकड़ों में बांटकर या लाइट फ्लैशेस के जरिए दुनिया में बहुत फास्ट, बहुत तेजी से घट रही घटनाओं को देखा जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट के कारण नामे हमें टाइम की बहुत सूक्ष्म इकाई तक लेकर जाते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने लाइट के साथ एक बहुत मामूली सी छेड़खानी की है और तेजी से घूमता हुआ पंखा, इसकी ब्लेड्स हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर यही चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी की जा सकती है जो बहुत ज्यादा तेज भागते हैं परमाणुओं के भीतर। पहले ये बात लोगों को नामुमकिन लगती थी कि एटम्स के भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के डायनेमिक्स को किसी तरह रियल टाइम में दर्ज किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही लाइट की शॉर्टेस्ट पल्स तैयार हुई उसी घड़ी इलेक्ट्रॉन्स की करतूतों से पर्दा उठने लगा। ये समय का पर्दा है, या यूं कहें कि टाइम की बहुत बड़ी जिद्दी दीवार थी और हमने इस दीवार के पार जाने की तरकीब खोज ली। इसके पार जाने की हमें रोशनी मिल गई। इस खास रोशनी का नाम है एटोसेकेंड फ्लैशेस ऑफ लाइट। ये लाइट के बहुत शॉर्ट फ्लैशेस होते हैं जिनके जरिए दुनिया की सबसे तेज मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, लेकिन इन्हें बनाना आसान काम नहीं है। पहले तो नामुमकिन लगता था, फिर आज से करीब 20-30 साल पहले पहली एटोसेकेंड पल्सेस बनाकर इतिहास रचा गया। ये फिजिक्स ही नहीं, पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू साबित हुआ, क्योंकि इसके जरिए हम पहली बार एटम के भीतर देखने और अंदर की हरकतों में छेड़खानी करने के काबिल हुए। हमें पहली बार तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के दर्शन मिले। हम देख पाए कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं और ये हरकतें ब्रह्मांड की लगभग हर चीज की बुनियाद में छुपी हुई हैं। ये इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए समय के सबसे बारीक स्तर पर पहुंचना जरूरी था, और टाइम के इस स्केल को एटोसेकेंड स्केल कहा जाता है। और इस स्तर पर जो लाइट फ्लैशेस होते हैं उन्हें एटोसेकेंड फ्लैशेस या एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। ये इतना बड़ा और महत्वपूर्ण काम है कि इसके लिए 2023 का फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला है। और इसी बेहतरीन चीज को समझने के लिए हमने 3 वीडियोस खर्च कर डाली हैं। वर्थ इट है भाई, मतलब पैसा वसूल फिजिक्स है। ये एटोसेकेंड फिजिक्स का पार्ट 2 है जिसमें हम ये समझेंगे कि लाइट के सामने जब समय की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है तो कुछ साइंटिस्ट इसे कैसे छलांग लगाकर पार करते हैं। पहली एटोसेकेंड पल्सेस बनाने का रास्ता कैसे साफ हुआ, इस वीडियो में हम हल्की सी इंटरमीडिएट लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, है ना। हम ये समझेंगे कि एटोसेकेंड पल्सेस बनाने के पीछे की बुनियादी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे पहली एटोसेकेंड पल्सेस को तैयार किए जाने का रास्ता साफ हुआ, और सबसे जरूरी चीज एटोसेकेंड फिजिक्स के अग्रदूतों की जबरदस्त कहानी क्या है, पायोनियर्स जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने इस फील्ड की नींव रखी। ये वीडियो बेहतरीन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भरी है और इसकी जड़ में है एक रोचक कहानी। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि हम मनुष्यों के सेंसेस की, देखने, सुनने और महसूस करने की कुछ सीमाएं हैं। ये यूनिवर्स हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, यहाँ सब चीजों की अपनी एक रफ्तार है। जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि हम स्केल में जितना सूक्ष्म जाते जाते हैं, जितनी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों की रफ्तार उतनी बढ़ती जाती है। अब तक सबसे सूक्ष्म स्तर पर जहां हम अपनी नजर पहुंचा पाए हैं वो परमाणु यानी एटम्स के भीतर की दुनिया है। एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स सभी पदार्थों को जोड़े रखने वाली ग्लू हैं, और इनके डायनेमिक्स को समझकर हम काफी जादुई किस्म के काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स इतने सूक्ष्म स्तर पर होते हैं कि इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, और ये हमारे सबसे आधुनिक डिवाइसेस के लिए भी धुंधले पड़ जाते हैं, लगभग वैसे ही जैसे तेज घूमते पंखे की ब्लेड हमें ब्लर नजर आती हैं। फिर हमने ये समझा था कि कैसे हमारा दिल सेकेंड्स के स्केल पर धड़कता है धक धक, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एटोसेकेंड के स्केल पर मूव करते हैं। और ये एटोसेकेंड टाइम की बहुत छोटी इकाई है, ये सेकेंड के 1/1000वें हिस्से का भी 1/1000वां हिस्सा है। और इस ब्रह्मांड की उम्र में जितने सेकेंड्स होते हैं उतने ही 1 सेकेंड के अंदर
एटो सेकेंड्स होते हैं और टाइम की इतनी छोटी इकाई पर यानी एटो सेकेंड लेवल पर हो रही मूवमेंट्स को दर्ज करने वाली रोशनी का नाम है एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। हमने ये भी समझा था कि कैसे फास्ट मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए लाइट की छोटी छोटी पल्सेस काम आती हैं। हमने जाना था कि कैसे एक आधुनिक कैमरे में शटर के जरिए लाइट को लिमिट करके फास्ट मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है, चिड़िया, हमिंग बर्ड वगैरह की मूवमेंट, और इसी की तर्ज पर लाइट की छोटी छोटी फ्लैशेस या पल्सेस बनाकर फास्ट मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। और जितनी फास्ट मूवमेंट को दर्ज किया जाना है लाइट की पल्स भी उतनी छोटी होनी चाहिए। अगर एटो सेकेंड लेवल की मूवमेंट को कैप्चर करना है तो एटो सेकेंड लेवल की पल्सेस बनानी होंगी। और हमने पिछले पार्ट में अपनी बात यहां खत्म की थी कि लेजर्स के जरिए ऐसी शॉर्ट पल्सेस बनाई जा सकती हैं। अब कहानी आगे बढ़ाने का वक्त है, सो बढ़ेगी। इस पार्ट में सबसे पहले हम समझेंगे कि इतने छोटे टाइम स्केल पर लाइट को लिपलिपाया कैसे जाता है, या टेक्निकल भाषा में कहें तो लाइट की पल्स कैसे बनाई जाती है, लाइट को पल्सेट कैसे किया जाता है। ये जानने के लिए हमें लेजर्स और वेव मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। लेजर्स जिसे कहते हैं वो खास तरह की लाइट प्रोड्यूस करने वाली बेहतरीन प्रणाली का नाम है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने मतलब की लाइट वेव पैदा कर सकते हैं। क्योंकि लाइट का बुनियादी नेचर वेव की तरह होता है, हमें समझ में नहीं आता लेकिन होता है, इसलिए हमें लेजर के साथ वेव मैकेनिक्स के बुनियादी फंडे भी समझने होंगे जो 10वीं 12वीं की फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। शायद आपको याद हो शायद ना हो, लेकिन भाई है यहाँ तो समझ लेंगे। आपने ये सुना होगा कि सूर्य से जो व्हाइट लाइट हम तक पहुंचती है वो बुनियादी तौर पर सफेद रोशनी नहीं है, बेसिकली वो अलग अलग रंगों की लाइट का एक मिक्सचर है जो हमें सफेद सा दिखाई देता है। फिजिक्स में लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह पढ़ा और समझा जाता है, और रोशनी के ये जो अलग अलग रंग हैं वो इन वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फलस्वरूप हैं। ये रोशनी की तरंगों का मिक्सचर अलग अलग मटेरियल के साथ अलग अलग ढंग से इंटरेक्ट करता है, तो मिक्सचर वाली लाइट में से कुछ लाइट वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बाकी की रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और इसके नतीजतन हमें दुनिया रंगीन दिखाई देती है, सब चीजें अलग अलग रंग की दिखती हैं। ये तो मोटे तौर पर दुनिया का दर्शन हुआ, लेकिन जब बारीक स्तर पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देखने की जद्दोजहद शुरू हुई तो ये मिक्सचर वाली सतरंगी रोशनी ज्यादा काम नहीं आई हमारे। सूक्ष्म स्तर पर चीजों को देखने के लिए लाइट को बहुत संवार कर, बहुत मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके भेजना होता है, और इसके लिए एक रंग वाली रोशनी या सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए होती है जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट पैदा करने वाले सबसे बेहतरीन डिवाइस का नाम है लेजर। हजारों साल तक मनुष्य रोशनी के लिए सूर्य और आग जैसे नेचुरल सोर्सेज पर निर्भर रहे, लेकिन पिछली कुछ सदियों में लाइट बल्ब और तमाम आर्टिफिशियल लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। इससे रोशनी पर मनुष्यों को थोड़ा कंट्रोल हासिल हुआ, अब वो अपनी जरूरत और मर्जी के मुताबिक रोशनी पैदा कर सकते थे, लेकिन बारीक स्तर पर दुनिया को देखने के लिए शुद्ध मोनोक्रोमेटिक लाइट की जरूरत थी। प्रकाश की ऐसी तरंगें जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक जैसी हों, इनमें किसी तरह की डाइवर्सिटी ना हो, मोनोक्रोमेटिक एक रंग की रोशनी। 1960 के दशक में ऐसी एक कमाल की टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लगी जिसे लेजर कहते हैं। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन वाया स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, लेजर। आज बच्चे बच्चे लेजर से खेलते दिख जाते हैं, लेकिन ये फिजिसिस्ट के लिए कितनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है इसे कम लोग जानते हैं। लेजर की एक खास बात यह है कि इससे लगभग परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स निकलती हैं जो एक दिशा में फोकस्ड होती हैं, इसलिए आपको रेड या ग्रीन लेजर्स दिखते हैं टिपिकली। वो लेजर्स पर अपन किसी और लंबी वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि लेजर सिंगल वेवलेंथ वाली फोकस्ड लाइट का बेहतरीन सोर्स है और सूक्ष्म स्तर पर घट रही इवेंट्स को देखने में इस तरह की लाइट बहुत काम आती है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे काम आती है ये समझने के लिए हमें रोशनी के एक और खास स्वरूप के बारे में जानना होगा जिसे लाइट पल्स कहते हैं। पल्स दरअसल एक बहुत जनरल टर्म है जिसका इस्तेमाल कई जगहों पर विशेषण के तौर पर होता है। बेसिकली ना जब किसी सिग्नल में बंद चालू इस तरह का पैटर्न दिखता है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, तो उसे पल्स कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, ब्लड पंप होता है फिर रुकता है, फिर पंप होता है फिर रुक जाता है, ये पल्सेटिंग पैटर्न है और इसका असर हमारे शरीर की पूरी रक्त नलियों पर दिखता है और उसे महसूस किया जा सकता है। इसलिए दिल की धड़कन जांचने के लिए पल्स चेक की जाती है हाथ पर रखकर, है ना, क्योंकि वो दिल की पल्सेटिंग पैटर्न पता चलता है उससे। ऐसे ही रोशनी के संदर्भ में भी पल्स का इस्तेमाल होता है। अगर किसी लाइट सोर्स को नियमित रूप से बंद चालू किया जाए तो लाइट में भी पल्सेटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। लाइट फॉलोड बाय डार्कनेस फॉलोड बाय लाइट फॉलोड बाय डार्कनेस, दिस रिपीटेटिव पैटर्न इज लाइट पल्स। अगर कोई बच्चा लेजर लेकर उसे बंद चालू कर रहा है तो बेसिकली वो लाइट पल्स बना रहा है ना, सिंपल सी बात है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आप ये समझिए कि ये लाइट पल्स तेज घटनाओं को देखने में कैसे मदद करती है। जब कोई घटना बहुत तेजी से घट रही होती है तो फ्लैशेस ऑफ लाइट से
उसका एक छोटा सा हिस्सा दर्ज किया जा सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इसलिए वो हमें ब्लड नहीं दिखता, वो अलग अलग पार्ट्स में दिखता है, जैसे हमने शुरुआत में उस डेमोन्स्ट्रेशन में देखा जो फ्रैंक क्राउज हमें दिखा रहे थे। अच्छा, इन नॉर्मल स्पीड्स पर तो ये पंखे अंखे की, ये साधारण स्पीड्स पर मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिकली लेजर को बंद चालू करके चीजों को देखा जा सकता है। लेकिन जब आप बहुत छोटे स्केल की बात करते हैं, जहां चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, जहां हमें बहुत तेजी से लेजर को स्विच ऑन ऑफ करना होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए, और इतनी तेज स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिकली या मैकेनिकली पॉसिबल ही नहीं है, फिर ये शॉर्ट पल्सेस कैसे बनाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए? इसके लिए एक अलग जुगाड़ लगाना पड़ता है। लाइट की अल्ट्रा शॉर्ट पल्स बनाने के लिए कई लाइट वेव्स को आपस में भिड़ा दिया जाता है और इससे बहुत छोटी पल्सेस बनाने का रास्ता निकलता है। कैसे? देखो, हम शुरू से यह जपते आ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर लाइट का बेसिक नेचर एक वेव की तरह है। जब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल स्विचिंग से लेजर की बहुत छोटी पल्स बनाना मुमकिन नहीं हो पाया, तो साइंटिस्ट लोगों ने लाइट के वेव नेचर का फायदा उठाना मुनासिब समझा। लाइट की बेहद शॉर्ट पल्सेस बनाने के लिए वेव मैकेनिक्स का जो फंडा काम आता है उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। आपने हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम भी कई वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं इंटरफेरेंस के बारे में, लोग बोर भी हो चुके हैं, लेकिन आज की चर्चा की खातिर एक बार इसे फिर से समझा जाएगा भैया। इंटरफेरेंस बोर्ड वोर्ड निकाल के अपन फिर से समझेंगे। दोस्तों, ये है इस चैनल का सदाबहार टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेरेंस, जिसकी हम हर दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। इंटरफेरेंस ये होता है कि दो या दो से अधिक वेव्स एक दूसरे से किस तरीके से मिलती हैं, उनका योजन किस तरीके से होता है, उसको वेव मैकेनिक्स में इंटरफेरेंस कहते हैं। अब दो एक्सट्रीम केसेस जनरली कंसिडर किए जाते हैं इंटरफेरेंस के। एक होता है कि दो वेव्स आपस में ऐसे मिलें कि उनकी चढ़ाने एक दूसरे पर चढ़ जाएं, उनके उतार एक दूसरे को नीचे तरफ झकेलें, और दूसरा होता है कि एक जन ऊपर जाए दूसरा नीचे जाए, एक जन नीचे जाए दूसरा ऊपर जाए। जीवन में इस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं, इस तरह की जोड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये वाला जो इंटरफेरेंस होता है जहाँ तारतम्यता होती है, एक इनको बोलते हैं इन फेस होना। वेव्स का फेस एक टेक्निकल टर्म है जो इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो इन दोनों का फेस बराबर है। जबकि ये दोनों का फेस आप देखेंगे तो इसमें 180 डिग्री का या 90 डिग्री का अंतर है, क्या बताइएगा कमेंट करके। जो भी है, ये आउट ऑफ फेज होता है बेसिकली। ये इन फेज कहलाता है, ये आउट ऑफ फेज कहलाता है। जब दोनों लोग साथ साथ आगे बढ़ते हैं कदम कदम मिला के, वो इन फेज होता है। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। नतीजतन इसमें जो तरंग होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर और बड़ी तरंग बनती है, नीचे भी और बढ़ी जाती है, तो एम्पलीट्यूड्स इसमें बढ़ जाते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कौन लिख दिया गया है इसके दर्शाने के लिए। और ये जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी एकदम इंटरफेरेंस है। ये एक्सट्रीम केसेस हैं इंटरफेरेंस के। अब इनके बीच में भी किसी तरीके से मिल सकते हैं, हो सकता है कि ये वेव ऐसी जाती तो ये थोड़ी सी आगे जाके ऐसी जाती। बेसिकली इनका फेस डिफरेंस क्या है उससे तय होता है कि इंटरफेरेंस का नतीजा क्या होगा। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। अब ये तो सिर्फ हमने दो वेव्स की बात की, जब दो वेव्स इंटरेक्ट करती हैं। वेव मैकेनिक्स में ऐसा तो है नहीं दो ही वेव्स होती हैं, मतलब असीमित वेव्स हैं और वो अनगिनत तरीकों से आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो इन्हीं इंटरफेरेंस की प्रोसेस का फ़ायदा उठाकर, इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठाकर पल्सेस बनाई जाती हैं। पल्सेस मतलब मल्टीपल वेव्स को, हो सकता है ये चार वेव्स एक साथ मिल रही होती हैं और इनके फेजेस आपस में इस तरीके से अलाइन किए जाते कि जो इंटर मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो एक पल्सेटिंग पैटर्न होता है। ये एक पल्स है और इसके बाद ये रुकेगी, सन्नाटा आएगा, फिर ये एक पल्स है, यहाँ सन्नाटा आएगा। मतलब इस तरीके का अगर रिजल्टेंट मिल रहा है कि ये थोड़ा सा मूवमेंट, फिर थोड़ा सा सन्नाटा, फिर थोड़ा सा मूवमेंट, फिर थोड़ा सा सन्नाटा, फिर मूवमेंट, मतलब सिग्नल ऑन सिग्नल ऑफ सिग्नल ऑन सिग्नल ऑफ, इस तरीके का अगर हमें रिजल्टेंट मिल जाता है कुछ वेव्स का इंटरफेरेंस करवा के, उनका फेज इस तरीके से इंजीनियर किया जाए, तो ये इंटरफेरेंस का फायदा है कि मल्टीपल वेव्स को आपस में सुनियोजित तरीके से इंटरफेयर करवा के एक पल्स जनरेट की जा सकती है। इसके पीछे का आइडिया है। तो इस तरह लेजर में इंटरफेरेंस के जरिए शुरुआत में 60 के दशक में शॉर्ट पल्सेस बनाई गई, ये कुछ माइक्रोसेकंड्स में ही थी। वक्त के साथ लेजर्स की समझ बेहतर होती गई और इस टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार हुए। फिर धीरे धीरे माइक्रोसेकंड से पीको सेकंड की तरफ, उस तरफ की शॉर्ट पल्सेस और शॉर्ट होती गई। इस ग्राफ में आप देखिए जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये प्रोग्रेस देखिए, साल बीतने के साथ पल्स ड्यूरेशन घटता जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि कैसे 80-90 का दशक आते आते ये प्रोग्रेस धीमी पड़ने लगी है और अंततः ये कहानी फेम्टो सेकंड पल्स पर जाकर अटक जाती है। फेम्टो सेकंड यानी 10^-15 सेकेंड, जबकि एटो सेकेंड होता है 10^-18 सेकेंड। यानी ये फेम्टो सेकेंड जो है वो एटो सेकेंड से, जो हमारा सब्जेक्ट है उससे 1000 गुना बड़ा टाइम स्केल है। इस फेम्टो सेकेंड टाइम स्केल पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लेकिन इन एटम्स के भीतर
इलेक्ट्रॉन्स और तेज भागते हैं और वो एटो सेकेंड लेवल पर मूव करते हैं। तो मौजूदा लेजर टेक्निक्स से एक हद तक ही वेव्स इंटरफेरेंस कंट्रोल किया जा सकता था और इनसे शॉर्ट पल्स बनाने की एक लिमिट तय हो गई। ये लिमिट करीब 6 फेमटोसेकेंड की थी। इससे भी छोटी पल्स बनाने के लिए किसी और तरीके की जरूरत थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग पैराडाइम शिफ्ट की दरकार थी और यही हुआ भी। यहाँ कहानी में एंट्री होती है 2023 के फिजिक्स नोबेल लॉरिएट्स की। कहानी में पहले नाम आता है एक फ्रेंच स्वीडिश महिला फिजिसिस्ट का, एन लुइलिए। ये फ्रेंच नाम है तो पढ़ने में आपको एनी हुई लुइलिए टाइप का कुछ लगेगा, लेकिन तुम्हारा भाई मौलिक उच्चारण का ध्यान रखता है तो इन्हें एन लुइलिए कहकर संबोधित किया जाता है। एन लुइलिए ने एटो सेकेंड पल्स बनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया। 80 के दशक में एन लुइलिए फ्रांस के सीईए में रिसर्चर के तौर पर काम कर रही थी। साल 1987 में इन्होंने नोबेल गैसेस और लाइट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट से एक कमाल का फिनोमिना निकल कर आया। एन लुइलिए की एक खोज एटो सेकेंड पल्सेस बनाने के लिए आधार बनती है। हम भी समझ लेते हैं कि एन लुइलिए आखिर कर क्या रही थी ऐसा और उन्होंने क्या खोज डाला। एन लुइलिए और उनके साथी अपने एक्सपेरिमेंट सेटअप में पहले तो एक इंफ्रारेड लेजर बीम तैयार करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स यानी प्रकाश की वो तरंगे जो जिनकी एनर्जी रेड कलर से जरा कम होती है। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन इनको हम हीट के फॉर्म में बॉडी पे महसूस कर सकते हैं। ये इंफ्रारेड वेव्स हमारे बहुत काम आती हैं, नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं वहां यूज होती हैं, बॉडी टेम्परेचर सेंसर जो कोविड के टाइम पे थे वो इंफ्रारेड से चलते हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स में इनका काम होता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपन बता चुके हैं। एन लुइलिए के ग्रुप ने इस इंफ्रारेड लेजर बीम को एक नोबेल गैस में धकेल दिया और आमतौर पर ये नोबेल गैस बहुत स्टेबल होती हैं, ज्यादा किसी से केमिकली रिएक्ट नहीं करती, शांत होती हैं। लेकिन जब इंफ्रारेड लेजर बीम को नोबेल गैस के थ्रू भेजा गया तो एक अजीब हरकत देखने को मिली। इस गैस से लेजर वेव के हायर हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। हायर हार्मोनिक्स यानी ओरिजिनल इंफ्रारेड वेव जो फ्रीक्वेंसी भेजी गई थी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगें, उससे मल्टीपल में। ये हायर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होना बड़े काम की चीज थी क्योंकि इनके जरिए लाइट की बहुत शॉर्ट पल्सेस बनाई जा सकती थी। तब इन हायर हार्मोनिक्स और शॉर्ट पल्सेस के लिए इनका महत्व समझ में नहीं आया, लेकिन इनका पैदा होना बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। और इस क्रांति के मायने समझने के लिए हमें हार्मोनिक्स का फंडा जरा डिटेल में समझना होगा, कुछ नहीं वेव मैकेनिक्स का एक और हल्का सा रिविजन है, देख लेते हैं। हार्मोनिक्स के केस में साउंड वेव की मदद से कुछ बातें समझना आसान है और ये बातें समान रूप से लाइट वेव पर भी अप्लाई होती हैं क्योंकि लाइट और साउंड भले ही बहुत अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों बुनियादी रूप से हैं तो वेव्स ही। इसलिए अभी हम साउंड वेव्स की मदद से हायर हार्मोनिक्स को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि साउंड में होता है वो हार्मोनिक्स वगैरह का काम डिस्कस होता है। साउंड की बात हो रही है तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं। देखिए मित्रों, ये गिटार का छोटा भाई है जिसे यूकेलेले कहते हैं और ना मुझे इसे पकड़ना आता है ढंग से ना ही इसे बजाना आता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो स्ट्रिंग होती है ना ये यहाँ से साउंड क्रिएट होता है और जब हम इसकी लेंथ को लिमिट करते हैं, एक छोर तो इसका लिमिटेड है ही, ये दूसरा छोर हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसकी उंगली रखते हैं उसके हिसाब से ये स्ट्रिंग लेंथ डिसाइड होती है और फिर जब हम इस पर ऐसे करते हैं वाइब्रेट करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है। अब हम अलग अलग लेंथ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड क्रिएट कर सकते हैं इससे, इसकी लेंथ को अलग अलग बदलते हुए। अब आप देखिए इसमें साउंड कैसे क्रिएट होता है कि ये जब हम इसकी लेंथ को लिमिट करते हैं और इसको ऐसे करते हैं तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, इसी से इसके एनवायरनमेंट में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और यहाँ से वो माइक में रिकॉर्ड होकर आपको हमारे कानों तक सुनाई देते हैं। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि इसकी लेंथ लिमिट करने के बाद इसका जो वाइब्रेशन है, एक तो बहुत बुनियादी किस्म का वाइब्रेशन हो सकता है कि इसकी जो स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे, सिर्फ बहुत आइडियल केस में ऐसा होगा कि ये ऊपर जाए नीचे आए ऊपर जाए नीचे आए, तो बहुत मतलब पूरी ये स्ट्रिंग ऊपर जाए पूरी नीचे आए एक साथ, तो ये बहुत आइडियल किस्म का वाइब्रेशन पैदा होगा, इससे एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी। दूसरी किस्म का वाइब्रेशन इससे ये हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे जाए यहाँ से ऊपर आए फिर यहाँ से नीचे जाए तो यहाँ से ऊपर आए, इन दो लेंथ के बीच में दूसरी तरह की एक वेव बन सकती है और फिर ऐसे करते करते इससे और छोटी छोटी ऐसे वेव बन सकती है। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम में नजर आएगा कि दो एंड पे लिमिट करने के बाद एक स्ट्रिंग को किस किस तरह की उससे फ्रीक्वेंसीज निकल सकती हैं। अब मुद्दा क्या है कि स्ट्रिंग जैसे वाइब्रेट करेगी उसी के करस्पॉन्डिंग साउंड वेव क्रिएट होगी, तो अगर वो सिंपल तरीके से वाइब्रेट कर रही है तो फंडामेंटल वेव निकलेगी, एक बहुत ही कम ज़्यादा वेवलेंथ वाली और कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव निकलेगी, उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और उसके अलावा जो उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी निकल सकती हैं तो उन्हें हायर हार्मोनिक्स कहा जाता है। अब हायर हार्मोनिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि वो हारमोनी में रहती है,
मतलब इसकी जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, जिस तरीके से वो दूसरे तरीकों से स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है, वो मैथमेटिकली इसके मल्टीपल में होगी जो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मतलब आप उसका 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज गणित के सहारे आपको मिलती जाएंगी। ये नेचर की हारमनी है, और ऐसे ही हारमनी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। अब इसलिए लोगों ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, या प्रकृति से संवाद की भाषा गणित है। तो ये हारमनी है, और इस हारमनी से पैदा होने वाली जो तरंगें हैं वो हारमोनिक्स कहलाती हैं, और ध्वनि जो है वो भी इस नेचर का एक हिस्सा है। जैसे लाइट है वैसी साउंड है, तो ये सारी चीज़ें हारमनी में क्रिएट होती हैं। और ये वाली टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए कि अगर ये बहुत ही बेसिक तरीके से वाइब्रेट कर रही है, सिर्फ पूरी स्ट्रिंग ऊपर जा रही है पूरी नीचे जा रही है, तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और उससे ऊपर जो मल्टीपल में उसके हायर फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं वो उसके हायर हार्मोनिक्स कहलाएंगी। ये तो टर्मिनोलॉजी हुई कि भैया ये फंडामेंटल वेव है और ये इसकी सारी बहनें हैं हायर हार्मोनिक्स। अब देखो इससे कमाल कैसे होता है। कमाल तब होता है जब अलग अलग हार्मोनिक्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि गिटार या किसी अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ए सी जी इस तरह की कॉर्ड्स होती हैं। ये कुछ नहीं, स्टैंडर्ड म्यूजिकल नोट्स होते हैं। हम फिजिक्स के पर्पस से इन्हें अलग अलग प्रकार की वेव्स समझ सकते हैं। तो आपको दो अलग अलग तरह के हम साउंड सुनाएंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा, और वो किस नोट के करस्पॉन्डिंग है ये आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। इन्हें ध्यान से सुनना और ध्यान से स्क्रीन पर देखना। इट्स अ वेरी लो जी नोट एंड दिस इज अ वेरी लो ए। अब गौर करना, जब हम इन दो साउंड्स को एक साथ प्ले करते हैं तो दो वेव्स का इंटरफेरेंस किया जाता है, तब क्या रिजल्ट मिलता है, ध्यान से सुनना। वी हियर अ सॉर्ट ऑफ वा 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 वा। हम ए और जी को कंबाइन करके एक पल्सेटिंग साउंड बना रहे हैं, दो वेव्स को कंबाइन करके पल्सेटिंग साउंड। ये चीजों का बंद चालू होना, ये जो डुब डुब की आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, इसी को पल्स कहते हैं। यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे मल्टीपल हार्मोनिक्स को आपस में सही तरीके से इंटरफेरेंस करवा के पल्स क्रिएट होती है। ये तो साउंड वेव के केस में है क्योंकि आपको सुनाई देगा, लेकिन लाइट में भी तो वेव होती है, इसलिए लाइट के साथ भी यही चीज की जा सकती है। अब आपको हार्मोनिक्स की महिमा मालूम हुई और इंटरफेरेंस का फंडा पता चला। अब अपन कहानी पर वापस लौटते हैं। 80 के दशक तक लेजर पल्सेस में ये हो रहा था कि कुछ लिमिट तक शॉर्ट फ्लैशेस ही बन रही थी, और सामने फेमटो सेकंड की एक लिमिट खड़ी हो गई थी, 6 फेमटो सेकंड या कुछ, उससे छोटी फ्लैशेस, उससे छोटी लाइट पल्सेस बनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब 1987 में एन लुइलिए ने इन वेव्स को नोबेल गैस से पास किया, तो उससे इन वेव्स की हायर हार्मोनिक्स जनरेट हुई। इन हायर हार्मोनिक्स को सही तरीके से मिक्स करवा के, इनका इंटरफेरेंस करवा के, और भी छोटी पल्सेस बनाई जा सकती थी, जैसे साउंड में आपको आवाज सुनाई दी। इसी मौके की तो तलाश थी लाइट के केस में, वो मिल गया, लेकिन ये शॉर्ट पल्सेस बनाना इतना भी आसान नहीं था जैसे आपको गिटार बजा के सुना दिया है ना, ऐसे नहीं होता यार। वेव्स के साथ एक बड़ा मसला ये है, जब तक अलग अलग वेव्स का आपस में मिलन हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए। उनका रिजल्टेंट इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि वो कितने सटीक फेज में एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर एकाध भी फेज इधर का उधर ना, तो पूरा रिजल्टेंट पसर जाएगा। 1987 में एन लुइलिए की हायर हार्मोनिक्स वाली खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने इस फेज रिलेशन को दुरुस्त करने की तरफ काम किया। एन लुइलिए का भी काम खत्म नहीं हुआ था, वो भी इस खोज के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने में लगी हुई थी, और साल 1991 में एन लुइलिए इससे जुड़ी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पेश करती हैं। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने यह समझाने की कोशिश की कि आखिर एन लुइलिए ने जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं, जो हायर हार्मोनिक्स मिल रही है, वो कैसे हो रहा है, नोबेल गैसेस के एटम्स के भीतर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उनसे रेडिएशन पास करने पर उसकी हायर हार्मोनिक्स जनरेट हो रही हैं। साल 1994 में पॉल क्रोकम, एन लुइलिए और दूसरे वैज्ञानिकों ने हायर हार्मोनिक्स जनरेशन के पीछे की फुल क्वांटम थ्योरी पेश की। इसके बाद 90 के दशक के मध्य से दशक के अंत तक एन लुइलिए ने सीरीज में कई पेपर्स पब्लिश किए। इससे हायर हार्मोनिक जनरेशन और उससे एटोसेकेंड पल्स बनाने के लिए वैज्ञानिकों की थ्योरेटिकल समझ दुरुस्त हुई। ये समझिए कि कहानी में अभी तक कोई कायदे की एटोसेकेंड पल्स बनाई नहीं गई, कोई बना नहीं पाया है, बस अभी जिस चीज से वो पल्सेस बनाई जानी है यानी हायर हार्मोनिक्स के जरिए, उसकी समझ दुरुस्त करने का काम चल रहा है, एक थ्योरेटिकल फ्रेम पर खड़ा हो रहा है, और यही थ्योरी आगे चलकर एटोसेकेंड पल्सेस बनाने का आधार बनती है। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम भी हल्का सा समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी जो 90 के दशक में रूप ले रही थी। हम बस बेसिक सी समझेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, उन्हें भी अपन बोर्ड पर समझते हैं। तो अभी हमें ये समझना है कि यार ये नोबेल गैस है, देखो हमने हल्का सा एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, छोटे बोर्ड से काम चलाना पड़ता है। ये नोबेल गैस है, इसमें इंफ्रारेड वेव्स की लेजर भी मारी जाएगी,
तो इससे ये हायर हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। एन लुइलिए और साथियों ने पता किया ये हो कैसे रहा है, हमें ये पता करना है। तो हम इस गैस के एक एटम पे जूम करते हैं और देखते हैं कि ये इंफ्रारेड वेव कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा, एक थियोरेटिकल मॉडल सामने निकल कर आता है। तो क्या होता है कि ये देखो ये एटम है और ये अंदर जो है ना ये लड्डू, ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो नेट पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चक्कर काट रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये इस प्राकृतिक बंधन से बंधे हुए हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाले। और ये ऐसे ही चलता रहता है एटम के अंदर, यही गेम चल रहा है, अनलेस कोई बाहरी सोर्स आता है, कोई बाहरी एनर्जी आती है जो इस इलेक्ट्रॉन से कहती है कि नहीं तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम्हें इसके दायरे में रहो, मैं तुम्हें बाहर लेके चलूंगी। एक इंफ्रारेड वेव आती है इलेक्ट्रॉन से कहती है देखो ना मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगी, तुम निकल लेना। इलेक्ट्रॉन को बढ़िया सपना दिखाया जाता है कि यार हम इस न्यूक्लियस के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ये इंफ्रारेड वेव यहाँ पे आती है, जब इस ये तरंग अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के चढ़ाव पर रहती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसकी एनर्जी को एक तो तरीका इसको ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब करती है जो इन दोनों के बीच में बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको ये बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पॉजिटिव साइड जो है वो डिस्टर्ब करती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट में बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी लेता है, उस एनर्जी को लेके इस एनर्जी स्टेट से बाहर की तरफ जाता है। ये दो तरीके हैं इसको देखने के। जो भी है, इलेक्ट्रॉन को एक सपना मिलता है मुक्ति का इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाता है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स का फंडा है, टनलिंग वनलिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। पर होता ये है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाने को ही होता है, उसको लगता ही है कि वो मुक्त हो चुका है न्यूक्लियस के प्रभाव से, और उसको ये नहीं पता था कि ये तरंग है। तो तरंग में पॉजिटिव साइड होती है तो नेगेटिव साइड भी होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने को होता है, ये हिट कर जाती है इसकी जो नेगेटिव वाली साइड है यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर निकलते इलेक्ट्रॉन को, और कहती बेटा इधर आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, बहुत हो गया, घुमाई फिराई बहुत हो गई। और इलेक्ट्रॉन इसकी नेगेटिव फील्ड, चूंकि यहाँ पे नेट नेगेटिव होती है, तो वापस इस पर अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ लगता है, या यूं कहें तो ये इलेक्ट्रॉन से वापस एनर्जी डिमांड करती है। और इलेक्ट्रॉन जो अभी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाया था, वो अपना मुंह लटकाए वापस अपने पुराने एनर्जी स्टेट की तरफ आता है। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन न्यूक्लियस कहता है, एटम कहता है कि बेटा ऐसे नहीं, इस घर के कुछ नियम कानून हैं, आप गए तो थे लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके गए हैं वो वापस वहीं पर छोड़ के आइए, यहाँ ऐसे नहीं चलता है। तो इलेक्ट्रॉन अपना मुंह लटकाए जो एनर्जी इस वेव से एब्जॉर्ब करता है उसका एक अंश यहाँ पर रिलीज करता चलता है, और ये जो रिलीज्ड एनर्जी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। और यहाँ से हम निकल के आता है कि इसका जो आंशिक हिस्सा इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर किया था इस एनर्जी का, उसका जब थोड़ा सा हिस्सा वो रिलीज़ करता है एक अलग फॉर्म में, तो हायर हार्मोनिक्स जनरेट होती हैं। और प्रकृति की हार्मोनी देखिए कि ये जो रिलीज्ड वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन की जो फेलियर दर्शाती हैं, ब्रह्मांड में सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रॉन अपने फेलियर का, वो इसके मल्टीपल में होती हैं। जो ओरिजिनल इंफ्रारेड वेव इस पर मारी गई थी उसके मल्टीपल में ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज यहाँ से निकलती हैं, और ये ज़्यादा ही होती हैं, और ये ऐसा है कि ऑड मल्टीपल्स में होती हैं। ये कुछ नेचर में सिमेट्री के कारण होता है कि ये जो हायर हार्मोनिक्स की रिलीज्ड वेव्स हैं ये ऑड मल्टीपल में होती हैं इस वाले के। तो जब ये हायर हार्मोनिक्स निकलते हैं यहाँ से, तो साइंटिस्ट लोग, भाई लोग जो बाहर वेट कर रहे थे, जिन्होंने ये सारी लीला रची है, जिन्होंने इस नोबेल गैस पे एक इंफ्रारेड वेव की भी मारी है, वो इंतज़ार ही कर रहे होते हैं इन इलेक्ट्रॉन के फेल हो जाने का, इसके फेलियर अटेम्प्ट का, जिससे ये हायर हार्मोनिक्स निकलती हैं, और वो इन हायर हार्मोनिक्स को कलेक्ट करके इनको मिला के इनकी लाइट पल्स बना देते हैं, क्योंकि वो भी कुछ देखना चाहते हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से मुक्ति पाना चाहते हैं, सब अपने अपने मुक्ति के उसमें लगे हैं। बहरहाल बकचोदी को कट करते हुए, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है हायर हार्मोनिक जनरेशन का, एक एटम के अंदर क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, टनलिंग वगैरह की डिटेल में नहीं गए, पर ये काम चलाओ इतना समझ लीजिए। या आया, इसको सपना दिखाया, सपना टूटा, सपने टूटने के लक्ष्य में, परिलक्ष्य में निकली कुछ एनर्जी वेव्स जो कि हायर फ्रिक्वेंसी में थी इस वेव के, और उनको कंबाइन करके बनाई गई पल्सेस।
ये थ्योरेटिकल मॉडल है। इसे थ्री स्टेप मॉडल भी कहा जाता है, और इस थ्योरेटिकल मॉडल को बनाने में जिन वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई उनमें श्री पॉल क्रोकम का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। इसी काम के लिए पॉल क्रोकम को 2022 का वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स मिला था, अलॉन्ग विथ एन लुइलिए एंड फेरेंस क्राउस। वुल्फ प्राइज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सम्मानित पुरस्कार होता है, लेकिन नोबेल के मुकाबले कम चर्चा रहती न्यूजों में इसकी। तो बाकी दो वुल्फ प्राइज जो विनर्स थे उनको नोबेल प्राइज भी मिला 2023 में, एक साल बाद, लेकिन पॉल क्रोकम को ये नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि क्रोकम साहब का जो काम था वो मुख्यतः थ्योरेटिकल था। ये 2023 का जो फिजिक्स नोबेल प्राइज तीन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को मिला है जिनके प्रयोगों ने एटोसेकंड फिजिक्स की बुनियाद रखी। अब थ्योरी का भी योगदान होता है देखो बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ सीन है कि नोबेल प्राइज तीन से ज्यादा लोगों में शेयर नहीं किया जाता है, सैड बट ट्रू। तो नोबेल कमेटी ने पॉल क्रोकम की जगह एक अन्य एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को ये प्राइज देने का फैसला लिया, जिनका नाम है पियर एगोस्टिनी। देखो कहानी में अभी तक थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हायर हार्मोनिक जनरेशन वाले बैकग्राउंड की बात हो रही है। अभी तो 90 का दशक चल रहा है कहानी में, है ना, अभी बस वैज्ञानिकों की बुनियादी समझ दुरुस्त हुई है, अभी एटोसेकंड पल्सेस बनाना बाकी है। एन लुइलिए ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनसे सबसे पहले तो हायर हार्मोनिक्स जनरेट हुई, उसके बाद 90 के दशक में उन्होंने और बाकी वैज्ञानिकों ने एक सीरीज में कई पेपर्स पब्लिश किए जिनसे हायर हार्मोनिक्स जनरेशन की बुनियादी समझ मजबूत हुई और एटोसेकंड पल्सेस बनाने का रास्ता साफ हुआ। 90 के दशक के साथ 20वीं सदी खत्म हुई और 21वीं सदी शुरू हुई। इसके साथ इन शॉर्ट लाइट पल्सेस को पैदा करने, नापने और मैनिपुलेट करने का काम भी शुरू हुआ। एन लुइलिए के बाद 21वीं सदी में यही महत्वपूर्ण काम करने का बेड़ा उठाया अगले दो नोबेल लॉरियट्स हैं, जिनके नाम है पियर एगोस्टिनी और क्राउस। इन दोनों का काम और इनकी कहानी अपन अगले एपिसोड में समझेंगे, सब अभी नहीं जानना है। अगले एपिसोड में हम एटोसेकंड फिजिक्स का, जो कि तीसरा और फिलहाल आखिरी एपिसोड होगा, अगर आपने पहले के दो वीडियोस देखे हैं तो वो भी जरूर देखिएगा, मजा आएगा। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है और उन्हें एटोसेकंड टाइम स्केल का बेहतर इंट्यूशन चाहिए, एक अच्छी फीलिंग चाहिए, वो उस वीडियो को देखें। उसमें हमने ये बात बहुत गहराई से समझी थी कि शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ लाइट से कैसे फास्ट मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। हमने कैमरा एक्सपोजर और शटर के बहुत बेसिक समझे थे जो कि डीएसएलआर वाले मित्रों के काम आएंगे। फिर हमने क्वांटम बीइंग और कॉस्मिक बीइंग के पर्सपेक्टिव से एटोसेकंड टाइम स्केल को समझने की कोशिश की थी, कितना छोटा होता है, फील लेने की कोशिश की। फिर हमने ये समझा था कि आखिर एटोसेकंड के स्केल पर पल्सेस को बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी चुल मची, काफी कुछ डिस्कस किया था अपन ने। उसमें एटोसेकंड फिजिक्स का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, तो अगर आप अपने बेसिक्स ब्रश करना चाहते हैं तो उसे देख लीजिए, यहाँ कहीं लिंक चमक रहा होगा उस वीडियो का, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या और नीचे जाएंगे कमेंट सेक्शन में तो वहां भी मिल जाएगा, सब सहूलियत कर दी आपके लिए, जाके देख लीजिए। अब ना अपन तीसरे पार्ट में असली मजा लेंगे, उसमें एडवांस हाई फाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझेंगे, जानेंगे कि आखिर पहली एटोसेकंड पल्सेस कैसे बनाई गई और इनसे इलेक्ट्रॉन्स की फोटो आखिर कैसे खींचते, कैसे हैं, कैसे पल्स से कैसे फोटो खींच लेते हैं, वो समझेंगे। क्योंकि इन्हें बनाने के पीछे तो यही मकसद था कि एटम के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना है, जो कि बहुत तेज घूमते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल ना फोटो तो खींचने तक महदूद नहीं रहा। एटोसेकंड पल्सेस के बहुत सारे बेहतरीन एप्लीकेशन हैं और इनसे फ्यूचर कैसे प्रभावित होगा, ये सब बहुत बवाल वाली चीजें हैं समझने के लिए। अगले वीडियो में काफी कूल साइंटिस्ट और उनके अति कूल काम से आपका परिचय करवाएंगे। आज की बकैती को यहीं समाप्त करते हैं, इतने आखिरी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, पता है क्यों देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, कंकड़ चुनी लोग कहे घर मेरा।